ऑनलाइन ट्यूटोरियल मैं हूं सतीश और हम कर रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सीरीज। हमारा पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन से ऐसे इंडियन अमेरिकन हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरपर्सन फाइनेंस डिपार्टमेंट में किस इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रितु कालरा। क्या आंसर है? रितु कालरा। ठीक है, तो ऑलरेडी शी इज नेम्ड एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसके? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि किसके साथ मिलकर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक माउ साइन करा है फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज अमेजॉन किसान। क्या आंसर है? अमेजॉन किसान। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने साइन करा है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अमेजॉन किसान। किसके लिए? किसान को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, ओके। अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह से एम्पावर होता है? उनको हेल्प करना, उनको ऊपर, उनकी सतह से ऊपर उठाना, उनको पुशअप करना। ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह से? टेक्निकल सपोर्ट के थ्रू। और ये कैसे होगा? अमेजॉन नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि किस कंट्री में विप जॉय साइक्लोन जो है वो अरोज हो रहा है इन द अरेबियन सी। तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। क्या आंसर है? बांग्लादेश। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन रैंकिंग के हिसाब से, इंडियन रैंकिंग 2023 के हिसाब से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने अपनी फर्स्ट पोजीशन को रिटेन करके रखा इन ऑल, इन ओवरऑल कैटेगरीज, मतलब सभी कैटेगरीज में। तो इसका जो आंसर है दैट इज आईआईटी मद्रास। ओके, क्या आंसर है? आईआईटी मद्रास। हमने लास्ट में भी एक क्वेश्चन इसी चीज़ के रिलेटेड जो डिस्कस करा था कि इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा टॉप रैंकिंग पे कौन है? आईआईटी मद्रास। अभी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो, जिसने अपनी फर्स्ट पोजीशन को रिटेन करके रखा है, मतलब पिछले 5 साल से आईआईटी मद्रास ही फर्स्ट पोजीशन पे है। अब यहाँ पे है कि ओवरऑल कैटेगरीज में, मतलब जितनी भी कैटेगरीज थी इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग, उन सभी इंस्टीट्यूशंस में ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन पे रहा है आईआईटी मद्रास। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड जो है कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च करा है? क्या अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च करा है? इसका जो आंसर है दैट इज आरबीआई। ओके, क्या आंसर है? आरबीआई। अब इस डैशबोर्ड को लॉन्च किया है आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। अब इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है असेसमेंट के लिए, और दूसरी तरफ मॉनिटर किया जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूशंस की प्रोग्रेस को इसके थ्रू। आपको इसके बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड जो है वो आरबीआई द्वारा लॉन्च करा गया है, और आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि फर्स्ट इंडिया फ्रांस यूएई, मतलब इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? 3 कंट्रीज़ का नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पे, इंडिया फ्रांस और यूएई। ये तीनों की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है कहाँ पे वियर, मतलब कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है? तो इसका जो आंसर है दैट इज गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान में। और ये पहली, आप लोग कह सकते हैं ये फर्स्ट है जिसमें इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हो रही है। ओके, अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में मिस वर्ल्ड 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? मिस वर्ल्ड का जो कंपटीशन है, प्रोग्राम जो है, वो किस कंट्री में 2023 में लॉन्च किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है? इंडिया। ओके, तो अगर हम बात करें, जो पहला, मतलब लास्ट टाइम जो इंटरनेशनल इवेंट हुआ था इंडिया में वो हुआ था इसके रिलेटेड 1996 में, बट उसके बाद अब, मतलब 27 साल के गैप के बाद फिर से मिस वर्ल्ड कंपटीशन जो है 2023 में वो इंडिया में ऑर्गेनाइज होने जा रहा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से प्लेयर ने होल्ड करा है रिकॉर्ड किसके लिए, मोस्ट, सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में, मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के लिए कौन से ऐसे प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो बनाया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ विराट कोहली। क्या आंसर है? विराट कोहली। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यूनियर वर्ल्ड कप।
मतलब अभी जो रिसेंटली हमने लास्ट वीडियोस में भी दो तीन क्वेश्चन हमने डिस्कस करे रिगार्डिंग शूटिंग, तो अब इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इंडिया की क्या पोजीशन है किसमें, अभी जो यूनियन वर्ल्ड कप हो रहा था शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का, उसकी उसमें मेडल लिस्ट में इंडिया का कौन सा पोजीशन है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ फर्स्ट, इंडिया जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट टॉप पोजीशन इन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में ना हासिल करी है। यहाँ पर इंडियन प्लेयर ने 15 मेडल जो हैं जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है इस टूर्नामेंट में जो जर्मनी में हो रही थी। ओके, और इसी के चलते इंडिया जो है वो टॉप पोजीशन पे है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी जो सेटअप करी गई है NTCA द्वारा, इसके चेयरपर्सन किनको अपॉइंट किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो लोग करोगे आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये है आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन और रिवीजन वाला। ओके, बाकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, तो चलिए आप लोगों के लिए ही स्पेशली हमने एक कोर्स जो लॉन्च कराया है। अब बेसिकली ये एक कोर्स नहीं है, इसमें हमने 10 कोर्सेज को ऐड किया है। ये सारी कोर्सेज की लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। इस कोर्स में हमने सभी वीडियो लेक्चर, सभी मॉक टेस्ट, सभी PDFs अपडेट कर दी हैं। इस कोर्स का एक्चुअल प्राइस 10,000 है, लेकिन अभी के लिए ये कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं 497 में। ठीक है, ये कोर्स सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हम 497 में। आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करनी है और लाइफ टाइम सपोर्ट आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो अभी मैसेज करें इस व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, क्योंकि ये कोर्स बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।